सुलेमा खान रोग को सबसे पहले हम थैंक यू देना है क्योंकि हमको उसका धर्म सुन का वजह से हम आज दिल्ली देखने मिला है, उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं। वो अच्छा काम करता तो हम आज दिल्ली देख नहीं पाता है, तो धर्म सुन का वजह से हम आज पहले बार दिल्ली आई है, तो उसके लिए थैंक यू बोल रहे उसको। हम लोग ये हम जो ये ऐसी टीम को शुरुआत से मैंने इसको सपोर्ट किया है, ऐसे करप्शन अगेंस्ट पे लड़ने इलाकों तो साथ देना है बोल के हम शुरू से इन लोगों को सपोर्ट किया है। तो जब दो दिन इन लोगों को हम ऐसी टीम को सपोर्ट किया है तो उसके बाद डीसी तालो को हमको बुला के नौकरी चौथा से एक नौकरी दिया था। तो जब इन लोग पैदल यात्रा जा रहा था तो वो तेजपुर पार होने के बाद मिशन चार अली बोल के वहीं तक हम मिलने गया था। बेचारा इतना दूर था, वो गर्म भी है, तो मैंने सोचा कि एक बार उन लोग को मिल लेता है बोल के हम वहाँ गया। तो वापस आया तो दीसी बोले आपको नौकरी नहीं देगा, निकल जाओ बोला है, तो हमको नौकरी से भगा दिया। फिर भी हम रिक्वेस्ट किया सर प्लीज हमको नौकरी में रखो और हम दो बार गवर्नमेंट का एगेंस्ट में नहीं बोल देगा बोल के हम ऐसे रिक्वेस्ट किया था, वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे। तो हमने बोला होगा सर आप आपको आदत कर दिया है तो ठीक ही है, अभी तो हम भी मन मर्जी बोलते रहेगा बोल के ऐसे ये किया है। हमारे अरुणाचल में कितना करप्शन हो तो सब वहाँ का बच्चों से लेके एकदम बुरी बुरा सब लोग जानता है, और आंख आंधा वाला भी दिखाई देता है और लिंगरी लूरी वाला सब लोग जानता है लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। तो उसके लिए मतलब वापस करते 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 ऐसे टीम ने आवाज उठाया, तो उसमें हम भी सोचा है कि ऐसे इलाकों तो साथ बहुत देना बहुत जरूरी है बोल के हम लोग भी साथ दिया। अभी डिस्ट्रिक्ट 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 हर कॉर्नर से मतलब अभी पब्लिक पूरा जग रहा है अभी ऐसे टीम को सपोर्ट देगा। तो पेमा खांडू अच्छा है बोलने वाला, वो एक आदमी कॉमेंट लिखने वाला, वो पेमा खांडू का वो सब नौकर लोग है जो कॉमेंट्स लिख के मतलब ये पेमा खांडू बहुत अच्छा है, बहुत इतना अच्छा काम कर रहा है, शायद उसका फैमिली को पैसा रुपया देता होगा खाने पीने के लिए देता होगा इसलिए उन लोगों ने अच्छा बोला होगा, लेकिन हम लोग के लिए तो वो अच्छा नहीं है। एक नंबर का वो एकदम लुटेरा है, वो तो एक नंबर का लुटेरा है, वो तो अच्छा नहीं है। वो हम लोग का अरुणाचल में इतना बच्चा ऊपर लिख के इतना पढ़ाई लिखा है इतना कम्प्लीट होके भी बैठता है नौकरी नहीं मिलता है, ऑफिसर का बच्चा हो वही नौकरी मिल जाता है, पढ़ाई में घटा है उसको नौकरी आगे मिल जाता है, हम लोग का बच्चा नौकरी इंटरव्यू देने से पास होके भी उसको फेल करा देता है, जिसका बच्चा गधा है उसको नौकरी मिल जाता है। ऐसे अरुणाचल में मतलब एक चीफ मिनिस्टर ऐसे करके बैठेगा तो हम लोग गरीब का जो तकलीफ को कौन देखेगा, वो तो महा चोर लुटेरा है पेमा खांडू जो ना एक नंबर का चोर है, वो जितना भी होना आदमी को उस दिन ये लोग पैदल जाने दे के बोला है कि वो ऐसे ड्रामाबाजी कर रहा है, उसे में हम सुन के बहुत गुस्सा लगा है, वह उसके लिए ये ड्रामाबाजी लग रहा है। सारा अरुणाचल का पैसा को लूट के रखा है, पॉकेट में पूरा घुसा के रखा है, उसका तुवांग में जाकर जितना डेवलप होता है तुवांग में जाता है, नामसाई तुवांग वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में एकदम बहुत अच्छा सा वो डेवलप करता है। और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में अभी सीबीआई भेजने से ठीक है ये समय में ना, ये इसी टीम को मतलब हम लोग ये उन लोग का मांग को पूरा नहीं करने से पहले ना मेरा मांग ये है कि आगे सीबीआई भेज के देखने दो, डिस्ट्रिक्ट का रास्ता देखने दो, डिस्ट्रिक्ट का स्कूल को देखने दो, स्कूल घर कैसे है और रास्ता कैसे है, गाड़ी चलने के लिए लायक नहीं है, सही गाड़ी चोर साइकिल तक भी जाने नहीं सकते और हम लोग भी पैदल जाने के लिए मुश्किल हो रहा है अरुणाचल जो ऐसा सिचुएशन खराब होके बैठे और ऊपर में और एमएलए पार्टी लोगों पेमा खांडू एमएलए लोग हिलने के लिए करता है ना, तो अरे इधर हिलेगा तो बस वो सुस्केट निकल देता है ना और पैसा बक्सा निकाल देता है, तो वो हिल नहीं सकता है, ऐसे होके एमएलए लोग को भी पूरा खरीद करके रखा हुआ है। तो अरुणाचल में इतना खराब सुन होने देखे तो उन लोग खराब नहीं है बोला हुआ तो वो तो बहुत वो बेमन लोग चोर सब मिल के खाने वाला है हम लोग का। अभी अब लोग का ये असम तरफ दिल्ली में भी अभी देखो तो इतना अब लोग का ये रास्ता कितना अच्छा है, और यहाँ में तो एक भी झोपड़ी दिखाई दिया ही नहीं, इतना बड़ा बड़ा मौका नहीं यहाँ में। और हम लोग असम में भी देखो, असम में भी हम लोग आके देखते हैं गरीब को घर देता है और उन लोग को बाथरूम मिलता है, हम लोग का अरुणाचल में कुछ गरीब को फैसिलिटी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, और फ्री चावल दिया वाला को भी बंद कर दिया, और बुरी बुरा लोग का ये जो महीना में पैसा मिलता वो भी बंद कर दिया, कितना लूट के खाएगा वो, कितना खराब करके रखा है। और यह सब तो सुनने में तो मोदी जो अरुणाचल को हाइस्ट मतलब सेंशन भेजता है बोलता है, वहाँ पैसा को तो
बक करके खाते है, रास्ता तो बनाते नहीं है। और बनेगा बोल के थोड़ा से ऐसे अच्छा रास्ता बच के बेचने ला उसको भी मतलब बनेगा बोल के तोड़ के रख देगा और बनाएगा नहीं। तोड़ने में रास्ता तोड़ने में एक नंबर मायर है वो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। और जितना कॉन्टेक्ट करते हैं हम लोग का साल में 2 बार तो पैसा तो मिलता है ना। अभी जब से चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आ गया जितना कॉन्टेक्ट और दूसरे से उधर लेके काम कर लेता है 2 साल में थोड़ा सा पैसा दे देता है तो उसमें कॉन्ट्रेक्टर भी कैसे आगे बढ़ पाएगा। जब से चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अरुणाचल में आया है अभी देखो कॉन्ट्रेक्टर भी फंस गया, बिजनेस भी फंस गया और हम लोग गरीब तो गरीब का गरीब ही रह गया। ना गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलता है, ना बीमार आजार कुछ प्रॉब्लम आने से हेल्प मांगने जा सकता है, ना कभी पब्लिक को मिलने देता है, सिर्फ अपना पॉकेट और जो बच्चा पुचा को नाम से तुआंग। और हम लोग का पब्लिक का जो मतलब जितना आवाज उठाता है लेकिन टूर्नामेंट का ऊपर में कोई नहीं बोलता। मेन रिमोट हुई है टूर्नामेंट है इसलिए हम उसको छोर टूर्नामेंट बोलते हैं। और पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर और सोनी टीवी है दोनों आपस में रिमोट टीवी बस रिमोट टिपेगा टीवी चैनल पलटी होते रहेगा तो रिमोट का बिना तो टीवी नहीं चलता है। तो इसलिए उसको टूर्नामेंट को मतलब वो रिमोट बना के रखा है वो पेमा खांडू टीवी सोनी टीवी एकदम सबसे बड़ा वाला मतलब वो चैनल टिपते रहेगा चैनल चेंज होगा मतलब पब्लिक क्या हो रहा है उसको नहीं देखेगा और कॉन्ट्रेक्टर लोग क्या क्या हाल में हो रहा है उसको नहीं देखेगा। स्कूल क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं होता है वो सिर्फ लूटने में एकदम एक नंबर है। इधर दिल्ली जाएगा वहाँ से पैसा को लेके आएगा तुवंग जाएगा, तुवंग से आएगा दिल्ली जाएगा पैसा को लेके आएगा नमसई जाएगा। ओए नमसई तुवंग उसी में मतलब अभी पेमा खांडू जब से चीफ मिनिस्टर आया है उधर ही मतलब पूरा घूमते रहता है और पार्टी खाने में उस्ताद है। पार्टी खाने से भी पब्लिक लोग को बुला के चलो आओ आज ऐसे पार्टी है खाओ पियो आओ हम ऐसे मीटिंग करने वो बोलेगा नहीं है। उन लोग जो जो MLA है वो आपस में बैठ के अंदर में मतलब मजा से खा पी के बैठेगा तो उसका बाद बोलते हैं मीटिंग खत्म वो सिर्फ पैसा बांटने का मीटिंग है। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर को हम तो पहले भी एक बार उसको हमला रो का वो बोल के तो हम वीडियो बनाया था तो उसमें हमको अरेस्ट भी किया था। लेकिन हम अभी सोचने में ना उस समय में हम और खराब से बोलने से टिकता ना तो थोड़ा सा लारो का बोलने में हमको अरेस्ट कर दिया है। ऐसे चीफ मिनिस्टर होता है क्या थोड़ा सा बात ये अकेले तो वो भी देखो तो हर जगह हम देखते हैं कोरोना आपका बीमार जो मतलब जब भी आप लगेगा बोलने से आप मिट्टी का अंदर में चुप के बैठो वहाँ से निकालो आपको लगेगा बोलने से जब भी समय में आपको लग सकता है। बीमार कोई टाइम टेबल होता है क्या? आदमी मरने के लिए टाइम टेबल होता है क्या? जब भी टाइम होगा आएगा तो मरेगा। अभी अच्छा से बात करके अभी भी मर सकते हैं, कोई मरने का टाइम टेबल नहीं होता है और बीमार होने का टाइम टेबल नहीं होता है। इसलिए हमको परेशान लगा था इसलिए हम उसको बोल दिया, नहीं तो हम उसको ऐसा नहीं बोलना था। और पुलिस को मतलब भेज भेज के हम लोग का जितना दुकान है ना उसको मतलब पूरा अंदर में जाके पूरा सामान को उठा के ले जाने देते। एक चीफ मिनिस्टर ऐसे करके बैठेगा तो उसको ऐसे गंदा बात नहीं बोलेगा और क्या बोलेगा? लुटेरा को लुटेगा लुटेरा बोलेगा, चोर को चोर बोलेगा, डकैत को डकैत बोलेगा क्योंकि उसको चोरी करने देगा नहीं और चोर नहीं है ना बहुत अच्छा है बोलेगा क्या उसको। और करप्शन का वजह से तो ऐसा ये हो क्या? क्या ये पूरा सबूत नहीं है क्या? आप लोग ये देख रहे हैं ये टेबल में जितना रखा है ये तो सबूत है ना उसका, करप्शन का सबूत ये इधर है। तो उसको मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रधानमंत्री सर जी आप ना सुनने से ठीक है मतलब ये लोग भी आपको इतना अरुणाचल से हम लोग जो यहाँ में हम लोग का बेटी बेटा लोग यहाँ में पैदल यात्रा करके दिल्ली तक पहुँच के आई हुई है अभी तो 2 महीना हो गया या दिल्ली बेटा वाला तो कम से कम सर आप नहीं आ पाने से बिना मेरा ये मोदी सर से मेरा रिक्वेस्ट आप आ नहीं सकने से भी किसी को भेज दीजिए डॉक्यूमेंट को ले जाके आप पढ़ लीजिए उसका बाद आप गवर्नमेंट को कैसे करना है CBI लगाना है ED लगाना है वो आपका ऊपर में है वो तो हम लोग तो CBI और ED मांग हम लोग का हुई है पब्लिक का डिमांड जो ना एक बार ED और ये जो CBI आ गया बोलने से ना वो पेमा खांडू पूरा देखो ना पेंटी खुल के भागेगा वो जो इतना खराब सुन करके रख के मतलब नहीं किया क्या ये सब पूरा ये खराब सुन का कागज तो है क्या? ये दिल्ली में यहाँ में क्या चाना बदम बिक्री करने के लिए किताब ला दिया? कम से कम किरण रिजिजू भी तो आके ये करना हम लोग का मांग हुई है हम लोग को मतलब
ये सीबीआई भेज दो बोल के ना, हम लोग का अरुणाचल तो एकदम बहुत खराब सुन है। अगर आप विश्वास नहीं होता है तो सीबीआई को आज भी भेज दीजिए ना, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जाके रास्ता देखने दो, स्कूल देखने दो, और कैसे हो रहे हैं। और हम लोग का रास्ता तो चलने के लिए भी लायक नहीं है, उन लोग तो ऊपर उड़ उड़ के जाते हैं। किरण रिजिजू उस दिन भी बोल रहा था रास्ता बहुत अच्छा है, इतना डेवलप हो रहा है तो। अरे आप तो ऊपर उड़ के जाता है ना, हम लोग नीचे जाने लगे देखता है, तो आप क्यों अच्छा है बोल रहे। तो आपका आपका नफड़ा में भी तो रास्ता इतना खराब है, तो आप उसको ये भी बनाया नहीं, आप क्यों अच्छा है बोलते हैं। हम लोग तो हर डिस्ट्रिक्ट का जाइए को हम पूरा मालूम है कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन रास्ता एक नंबर अच्छा है। नाम ये जो तुवांग नाम से वो दोनों रास्ता बहुत अच्छा है। हम लोग का तो पूरा तोड़ तोड़ के एकदम नाला बना के रख दिया, अभी हम लोग चलने भी मुश्किल, बारिश होने से हम लोग बाहर भी नहीं निकलते, ऐसे सिचुएशन आ गया हम लोग का अरुणाचल में। तो उसके लिए मतलब ना हम लोग को मतलब ये करप्शन को हटाएगा बोल के आज मांग जो हुई है, मैंने तो रिक्वेस्ट है मतलब सीबीआई भेज दो बोल के ना, ईडी और सीबीआई भेज दो बोल के, हम उसके लिए हम लोग सपोर्ट देने के लिए हम लोग को आया है। और भी कल परसों को मतलब आप सीबीआई ईडी नहीं भेज देते है बोलने से, तो आप हम लोग को आपका ये धरना जगह में जमीन दे दो, हम लोग यह घर बना के बैठेगा। आप जब तक हम लोग का मांग को पूरा नहीं करेगा, मेरा अरुणाचल का पूरा हम लेके आएगा यहीं पर बतेगा। तो उसके लिए मोदी सर आप ऐसा करने नहीं देगा बोलने से ना, ये ऐसी टीम का मांग को पूरा कर दीजिए, हम लोग का ये पब्लिक का डिमांड है। हम तो उतना तो रिक्वेस्ट कर, हम ज्यादा बात नहीं करेगा, काल भी बोलने के लिए बाकी बहुत है, उतना तक हम समाप्त कर देगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।